Hello friends, how are you? I hope you are healthy and well-being. So welcome back to non channel. Myself Abhishek Kumar, I am your biology mentor. So in this particular video, we talk about very interesting and important topic of the 11th NCERT, that is the anatomy of flowering plants. It means anatomy of angiosperm. So I hope you really enjoy this video. So if you like my video, so please subscribe my channel and like share my video with friends. And if you want to join my social media handles, so I provide a link in description box and about section of my channel. So please go through about section of my channel and click the social media icon and join with us. So I hope you really appreciate with me. So watch the video and keep support. So today's topic is anatomy of flowering plant. So in this particular video, we talk about each and every concept of anatomy of flowering plant. So first we read what written in NCERT textbook. After we elaborate each and everything, be simple and easy manner. So let's stop the wasting your time. Stay tuned with me. I hope you really enjoy this video. So let's start. So you can easily see the structural similarity and variation in external morphology of large living organism. तो ये बोल रहा है कि हमारे जो हम लार्ज लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर में सिमिलरिटी और उनमें वेरिएशन देख सकते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के, मतलब उनकी बाहरी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में हम उनकी सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी देख सकते हैं। जैसे हमारा इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल रहा है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब हमारे प्लांट और एनिमल दोनों आएंगे। जैसे हमारा प्लांट होता है, मैंगो का प्लांट हमारा अलग होता है, उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी अलग होती है, और जो हमारा बनियान ट्री होता है उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी अलग होती है। और एनिमल की केस में हमारे जैसे कैट का हमारा एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी अलग होगा और उसका डॉग का एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी अलग होगा। इसका मतलब सिंपल वर्ड में यही है, ठीक है। सिमिलरली इफ़ वी वर टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर, इसी तरह अगर हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे, तो वंस ऑल्सो फाइंड सेवरल सिमिलरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस। तो भी हम अगर उनके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे, तो भी हम उनमें कुछ सिमिलरिटी पाएंगे और कुछ इसमें डिफरेंसेस पाएंगे, यानी कुछ इसमें विभिन्नताएँ पाएंगे, ठीक है। दिस चैप्टर इंट्रोड्यूस यू टू इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हायर प्लांट। तो इस चैप्टर में हमको ये बताया गया है इंटरनल स्ट्रक्चर, एनाटमी हम उसको बोलते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर को हम एनाटमी बोलते हैं, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर कॉल्ड एनाटमी। एनाटमी क्या होता है हमारा, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर कॉल्ड एनाटमी। और मॉर्फोलॉजी क्या होता है हमारा, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कॉल्ड मॉर्फोलॉजी, जो कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में इस चैप्टर को डिस्कस किया है मॉर्फोलॉजी का, ठीक है। सो दिस चैप्टर इंट्रोड्यूस यू इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हायर प्लांट, यानी ये चैप्टर जो हमारा है, ये हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट के बारे में बताएगा, उनके फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएगा। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एनाटमी, यानी स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट कॉल्ड एनाटमी। एनाटमी क्या होता है हमारा, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट कॉल्ड एनाटमी। प्लांट हैव सेल एज द बेसिक यूनिट, हमको ये पता है कि जो हमारी सेल होती है सेल, जिसको हम कोशिका बोलते हैं, ये कोशिका जो हमारी होती है, ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ यानी इससे हमारी लाइफ बनी होती है। हमारी सेल मिलके हमारा टिश्यू बनाती हैं, और टिश्यू हमारे मिलके हमारे ऑर्गन बनाते हैं, और हमारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जो कि हमारा ऑर्गन सिस्टम होता है। हमारा डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारा ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा, है ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा गैसियस एक्सचेंज का काम करेगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। ईच सिस्टम हैव स्पेसिफिक फंक्शन। सो प्लांट हैव सेल बेसिक यूनिट, जो प्लांट में होती है, जो होती है सेल, बेसिक यूनिट होती है। सेल आर ऑर्गेनाइज इंटू टिशू, सेल से हमारे क्या बनते हैं, टिशू बनते हैं। सेल ऑर्गेनाइज इंटू टिशू, सेल हमारा ऑर्गेनाइज होकर टिशू बनाता है। एंड टर्न टिशू टू ऑर्गेनाइज ऑर्गन, और हमारा टिशू से क्या बनता है, हमारा ऑर्गन बनता है, है ना। डिफरेंट ऑर्गन इन ए प्लांट्स आर डिफरेंट इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी हमारे जो डिफरेंट ऑर्गन होते हैं प्लांट में, डिफरेंट ऑर्गन होते हैं, वो उनमें इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफरेंट होता है। वो अपना इंटरनल स्ट्रक्चर में डिफरेंट वेरिएशन शो करते हैं। विद इन एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म का मतलब होता है हमारा फ्लोरिंग प्लांट, ठीक है। एंजियोस्पर्म का मतलब होता है हायर प्लांट और फ्लोरिंग प्लांट, ठीक है। एंजियोस्पर्म को हम फ्लोरिंग प्लांट बोलते हैं और हायर प्लांट बोलते हैं। द मोनोकॉट एंड डाइकॉट
आर ऑल्सो सीन टू बी एनाटोमिकली डिफरेंट, यानी जो हमारे होते हैं मोनोकॉट प्लांट होते हैं और डाइकॉट होते हैं उनमें भी हमारा एनाटोमिकली जो होती है डिफरेंसेस देखे जाते हैं, डिफरेंट उसमें पाए जाते हैं, मोनोकॉट में अलग होगा डिफरेंसेस, डाइकॉट में अलग होगी, उसके लीफ में है ना, लीफ के स्ट्रक्चर में अलग अलग वेरिएशंस होंगे, स्टेम में अलग अलग वेरिएशंस होगा। इंटरनल स्ट्रक्चर आल्सो शो एडाप्टेशन टू डाइवर्स एनवायरनमेंट, जो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर होता है ना, यानी हमारी जो प्लांट की एनाटॉमी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट में, डाइवर्स एनवायरनमेंट में अपना एडाप्टेशन, डिफरेंट डिफरेंट एडाप्टेशन शो करता है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए वो अपना एडाप्टेशन शो करता है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है, द टिश्यू, हमको टिश्यू के बारे में बताया गया कि हमारा टिश्यू क्या है, किस टाइप के टिश्यू होते हैं, उनके फंक्शन क्या होते हैं, सो वो बताया गया हमको। तो क्या टिश्यू क्या होता है हमारा, जो हमारा सेल से मिलकर हमारा टिश्यू बनता है, मैं आपको बताता हूँ सिंपल वर्ड में, जो हमारी सेल होती है, सेल मिलकर हमारी टिश्यू बनाती हैं, सेल मिलकर हमारी टिश्यू बनाती हैं, और जो हमारा टिश्यू होता है, टिश्यू मिलकर हमारा ऑर्गन बनाता है, टिश्यू मिलकर हमारा ऑर्गन बनाता है, और ऑर्गन और हमारे मिलकर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन मिलकर हमारे क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जो कि ऑर्गन सिस्टम डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो हम देखते हैं टेस्ट में क्या लिखा है, ए टिश्यू इज ग्रुप ऑफ सेल हैविंग ए कॉमन ओरिजिन एज यूजली परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन। इसमें ये बोला है कि हमारा जो टिश्यू होता है उसमें जो सेल होती है, ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर हमारा टिश्यू बनता है, और हमारे उनमें जो सेल में हो कॉमन ओरिजिन हो और यूजली परफॉर्म कॉमन फंक्शन, है ना, मतलब जो उनकी ओरिजिन हो, ओरिजिन सेम एंड परफॉर्म यूजली कॉमन फंक्शन, और वो कॉमन फंक्शन परफॉर्म करें, तो हमारा क्या होता है टिश्यू क्या होता है, ओरिजिन ओरिजिन जो हो वो सेम हो, फंक्शन जो हो फंक्शन भी सेम हो, तो ये हमको ये टेस्ट में दिया गया है। तो हमारा ये होता है कि जो टिश्यू होता है उसकी सेल में जो ओरिजिन होती है वो तो सेम हो, ठीक है, फंक्शन में भी सेम हो, फंक्शन में मे नॉट बी सेम, है ना, फंक्शन सेम भी हो सकता है, फंक्शन डिफरेंट भी हो सकता है, बट जो उसकी ओरिजिन है ओरिजिन मस्ट बी सेम, जो हमारा टिश्यू होने के लिए ओरिजिन जो सेल की वो मस्ट बी सेम, यानी ओरिजिन उसकी सेम होनी चाहिए, फंक्शन उसका डिफरेंट भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। ए प्लांट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू, जो हमारा प्लांट बना होता है वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू से मिलकर बना होता है। टिश्यू आर क्लासीफाइड इंटू टू मेन ग्रुप्स, ना जो टिश्यू हमारे होते हैं वो टू मेन ग्रुप में क्लासीफाई किए जाते हैं, टू मेन ग्रुप में क्लासीफाई किए जाते हैं, इसको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना, और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब होता है जिसमें डिवाइडिंग कैपेसिटी हो, वो कैपेबल हो फॉर डिवाइडिंग के लिए, यानी वो फर्दर डिवाइड कर सके और नए टिश्यू का निर्माण कर सके, यानी नए टिश्यू को प्रोड्यूस कर सके। जो परमानेंट टिश्यू होता है उसको हम मैच्योर बोलते हैं, है ना, मैच्योर टिश्यू बोलते हैं, परमानेंट टिश्यू होता है वो मैच्योर होता है, उसमें डिवाइडिंग कैपेसिटी नहीं होती, वो फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता है, यानी वो फर्दर आगे कोई भी प्रोड्यूस टिश्यू नहीं कर पाएगा, है ना, वो यानी परमानेंट हो गया, मैच्योर हो गया। सो टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन ग्रुप, नेमली मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू, बेस्ड ऑन वेदर द सेल बींग फॉर्म आर कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग और नॉट, यानी इसमें यह बताया कि हमारा जो ग्रुप किया गया है मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट किस बेसिस पे किया गया है, कि इस बेसिस पे किया गया है कि हमारी वो सेल वो डिवाइड कर रही है फर्दर, है, या फिर नहीं कर रही है, इस बेसिस पे हमको परमानेंट और मेरिस्टेमेटिक पे डिवाइड किया गया। तो हमको दिया गया फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है ये हम देखते हैं। ग्रोथ इन प्लांट इज लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज रीजन ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन कॉल्ड मेरिस्टेम्स, है ना, कॉल्ड मेरिस्टेम्स, है ना, जो हमारी ग्रोथ होती है प्लांट में, है ना, लार्जली रिस्ट्रिक्टेड होती है, उसमें कुछ स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं जो कि हमारे वो ग्रो करेंगे, यानी वो ग्रोथ करेंगे, पूरे प्लांट की बॉडी पे हम ग्रोथ नहीं होती है, बट उसमें कुछ स्पेसिफिक रीजन पाए जाते हैं, जैसे हमारे रूट में होंगे, रूट में एक स्पेसिफिक रीजन होगा, है ना, मेरिस्टेमेटिक जोन बोलते हैं इसमें, इसमें कि मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती है और हमारी वो रूट से ग्रोथ होती है और हमारा प्लांट की हाइट बढ़ती जाती है, यानी नीचे से ग्रोथ होगी, रूट से ग्रोथ होगी और हमारा उसकी हाइट बढ़ती जाएगी, है ना। अब ऐसा नहीं कि पूरे प्लांट बॉडी में मेरिस्टेमेटिक के टिश्यू पाए जाते हैं और पूरी प्लांट बॉडी ग्रो करती है, ऐसा नहीं है, उसमें स्पेसिफिक रीजन्स होंगे।
ग्रोथ इन प्लांट इज लार्जली रिस्ट्रिक्टेड स्पेशलाइज रीजन एक्टिव सेल डिवीजन कॉल्ड मेरिस्टेम्स है ना। मेरिस्टेम्स जो है हमारा वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, मेरिस्टेम्स जो हमारा ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका नाम है मेरिस्टोस। मेरिस्टोस का मतलब होता है डिवाइडेड, यानी वो फर्दर डिवाइड करे, है ना। प्लांट हैव डिफरेंट काइंड ऑफ मेरिस्टेम, प्लांट में डिफरेंट काइंड ऑफ मेरिस्टेम होते हैं, मतलब मेरिस्टेम्स डिफरेंट काइंड ऑफ मेरिस्टेम हो गए, जैसे रूट मेरिस्टेम है ना। रूट मेरिस्टेम में जो होगा इसको उसको बोलेंगे रूट अपाइकल मेरिस्टेम, है ना। जो हमारे शूट पे होगा उसको हम बोलेंगे शूट अपाइकल मेरिस्टेम। रूट अपाइकल मेरिस्टेम होगा जो हमारा रूट के एपेक्स पे होगा वो हमारा रूट पे ग्रोथ करेगा, और जो शूट अपाइकल मेरिस्टेम होगा वो शूट के एपेक्स पे होगा यानी टर्मिनल होगा वो हमारा शूट के एपेक्स पे ग्रो करेगा, ठीक है, यानी वो शूट की ग्रोथ को बढ़ाएगा। तो हम देखते हैं मेरिस्टेमेटिक विच अकर एट द टिप ऑफ रूट, जो हमारे मेरिस्टम रूट की टिप पे होते हैं एंड शूट की टिप पे होते हैं प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यू, प्राइमरी टिश्यू प्रोड्यूस करते हैं और कॉल्ड एपाइकल मेरिस्टम, है ना। हमारे जो रूट और शूट के एपेक्स पे होते हैं वो हमारे प्राइमरी टिश्यू प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम एपाइकल मेरिस्टम बोलते हैं। ये हमारे एपाइकल मेरिस्टम जो होते हैं, रूट अपाइकल मेरिस्टम जो होता है ऑक्यूपाई टिप ऑफ रूट, जो हमारा रूट अपाइकल मेरिस्टम होता है वो हमारे रूट के टिप पे होगा, रूट के टिप पे होगा, वाइल जो शूट अपाइकल मेरिस्टम होगा वो ऑक्यूपाई द डिस्टेंस मोस्ट रीजन फ्रॉम द स्टेम एक्सिस, यानी वो हमारी स्टेम की एक्सिस से मोस्ट डिस्टेंस रीजन पे होगा, ठीक है। तो हमारा जो इसमें क्या है, जो शूट अपाइकल मेरिस्टम होगा वो हमारा क्या होगा कि वो टर्मिनल होगा, वो टर्मिनल होगा, और जो हमारा रूट अपाइकल मेरिस्टम होगा वो हमारा सब टर्मिनल होगा, है ना, यानी टिप ऑफ रूट पे होगा। तो हमने इसमें ये देखा कि रूट अपाइकल जो होगा हमारा, सॉरी, जो हमारा रूट अपाइकल होगा, रूट अपाइकल होगा हमारा वो क्या होगा, रूट अपाइकल जो होगा वो हमारा सब टर्मिनल होगा, ठीक है, सब टर्मिनल होगा। और जो हमारा शूट अपाइकल होगा, शूट अपाइकल मेरिस्टम होगा हमारा वो टर्मिनल होगा, शूट अपाइकल जो होगा हमारा वो टर्मिनल होगा, ठीक है। तो इसमें हमको क्या दिया है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीफ एंड इलांगेशन ऑफ स्टेम सम सेल लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम द शूट अपाइकल मेरिस्टम कंस्टिट्यूट एक्सिलरी बड, यानी हमारा जो होता है जब हमारी लीफ का फॉर्मेशन होता है और हमारे स्टेम का इलांगेशन होता है, यानी हमारा स्टेम का इलांगेशन होगा, जोन ऑफ इलांगेशन हमारा पाया जाता है जो कि स्टेम की लेंथ में ग्रोथ कराता है ना, लेंथ में ग्रोथ कराएगा उसको जोन ऑफ इलांगेशन बोलते हैं। जो मेरिस्टेमेटिक होगा वो हमारे रूट में पाया जाएगा, है ना, वहाँ पे हमारे होगा कि हमारे उसमें जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी पाई जाएंगी और वहाँ की सेल जो डिवाइड करेंगी, है ना। रूट में जोन ऑफ इलांगेशन, जोन ऑफ मेचुरेशन, है ना, जहाँ से हमारे जोन ऑफ मेचुरेशन से हमारे रूट हेयर निकलते हैं। सो सम सेल लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम द शूट अपाइकल मेरिस्टम कंस्टिट्यूट द एक्सिलरी बड्स, है ना, जो हमारी शूट अपाइकल मेरिस्टम में कुछ सेल बच जाती हैं जो कि हमारा एक्सिलरी बड बनाती हैं। सच बड आर प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ लीफ एंड आर कैपेबल टू फॉर्मिंग ब्रांचेज ऑफ फ्लावर, और ये जो हमारी बड होती हैं, एक्सिलरी बड होती हैं हमारी, ये एक्सिल ऑफ लीफ से प्रेजेंट होती हैं और हमारी क्या बनाती हैं, ब्रांचेज बनाती हैं और फ्लावर बनाती हैं। हमारी एक्सिलरी बड जो होती है, हमारे एक्सिलरी बड से हमारे ब्रांचेज और फ्लावर बनते हैं। द मेरिस्टेम्स विच अकर्स बिटवीन मैच्योर टिश्यू इज नोन एज इंटरकलरी मेरिस्टम, जो हमारे मेरिस्टम मैच्योर टिश्यू के बीच में होते हैं, जो मैच्योर टिश्यू के बीच में पाए जाते हैं। द मेरिस्टेम विच अकर्स बिटवीन द मैच्योर टिश्यू नोन एज इंटरकलरी मेरिस्टम, यानी उनको हम इंटरकलरी मेरिस्टम बोलते हैं, वो हमारे मैच्योर टिश्यू के बीच में पाए जाते हैं। दे अकर्स इन ग्रास एंड रीजनरेट पार्ट रिमूव बाई द ग्रेजिंग हर्बीवोरस, है ना, ये हमारे ग्रासेस में पाए जाते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टम हमारा जो होता है वो ग्रासेस में पाया जाता है, क्योंकि हमारे जो ब्राउजिंग एनिमल होते हैं यानी चरने वाले जानवर होते हैं वो हमारे ग्रास को खा जाते हैं और वो हमारी फिर से रीजनरेट पार्ट हो जाता है, उसका जो पार्ट जो रिमूव होता है वो फिर से रीजनरेट हो जाता है, वो फिर से बन जाता है, है ना। तो हमारे इसको ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेरिस्टमेटिक इंटरकैलरी मेरिस्टम की वजह से हमारा ये उसका पार्ट ग्रासेस का वो रीजनरेट हो जाता है। बोथ एपाइकल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम आर प्राइमरी मेरिस्टम, जो हमारे होते हैं बोथ एपाइकल मेरिस्टम, है ना, एपाइकल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम, जो हमारे एपाइकल मेरिस्टम होते हैं, है ना, और हमारे इंटरकैलरी मेरिस्टम होते हैं। एपाइकल मेरिस्टम में हमारे क्या आ जाएंगे, रूट अपाइकल
रूट अपाइकल और हमारे शूट अपाइकल, है ना, हमारे शूट अपाइकल, रूट अपाइकल एंड शूट अपाइकल मेरिस्टम जो होंगे हमारे, ये हमारे अपाइकल मेरिस्टम में आएंगे, और इंटरकलियर मेरिस्टम जो होते हैं हमारे वो ग्रासेस में पाए जाते हैं, ये हमारे जो होते हैं प्राइमरी मेरिस्टम होते हैं। हमको बताया गया बहुत अपाइकल मेरिस्टम एंड इंटरकलियर मेरिस्टम आर प्राइमरी मेरिस्टम बिकॉज दे अपीयर अर्ली इन लाइफ, ये हमारे प्लांट की मतलब पहले जब लाइफ बनती है तो हमारे ये बनते हैं ऑफ प्लांट एंड कंट्रीब्यूट टू फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी, यानी जो हमारे होते हैं प्राइमरी मेरिस्टम, इनको हम क्यों बोला क्योंकि ये हमारे जो लाइफ बनती है तब हमारे ये बन जाते हैं, स्टार्टिंग में ही बनते हैं लाइफ में, और हमारे कंट्रीब्यूट करते हैं प्लांट की प्राइमरी प्लांट बॉडी बनाने में, है ना, प्राइमरी प्लांट बॉडी बनाने में ये कंट्रीब्यूट करते हैं, इसलिए हम प्राइमरी मेरिस्टम बोलते हैं। द मेरिस्टम डेट अकर इन मेच्योर रीजन ऑफ रूट एंड शूट ऑफ मेनी प्लांट्स, है ना, जो हमारे जो मेरिस्टम होते हैं जो मेच्योर रीजन पे पाए जाते हैं वो रूट पे भी पाए जा सकते हैं और शूट पे भी पाए जाते हैं प्लांट पे, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टम बोलते हैं, है ना, मेच्योर हो जाते हैं वो, परमानेंट हो जाते हैं, उसमें डिवाइडिंग कैपेसिटी नहीं होती है। पार्टिकुलरली दोज डेट प्रोड्यूस वुडी एक्सिस एंड अपीयर लेटर देन प्राइमरी मेरिस्टम इज कॉल्ड सेकेंडरी और लेटर मेरिस्टम, तो ये बोल रहे हैं कि हमारे प्राइमरी मेरिस्टम के बनने के बाद बनते हैं, है ना, पार्टिकुलरली प्रोड्यूस वुडी एक्सिस, ये हमारे प्राइमरी मेरिस्टम बनने के बाद बनते हैं और ये हमारे वुडी एक्सिस प्रोड्यूस करते हैं, है ना, वुडी एक्सिस प्रोड्यूस करते हैं, यानी उसमें जो होंगे हार्ड एक्सिस प्रोड्यूस करेंगे, यानी कठोर एक्सिस बनाएंगे और ये डिवाइड नहीं करेंगे, है ना, एंड अपीयर लेटर देन द प्राइमरी मेरिस्टम, और हमारे प्राइमरी मेरिस्टम के बनने के बाद बनते हैं तो हम इनको क्या बोलते हैं सेकेंडरी और लेटर मेरिस्टम। तो सेकेंडरी मेरिस्टम होता है, नाम से ही पता चल रहा है प्राइमरी बन चुका है तो यानी सेकेंडरी यानी सेकेंड टाइम पे बनेगा ये, है ना, और इसी को हम लेटरल मेरिस्टम बोलते हैं। लेटरल मेरिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारा जो ग्रोथ कराता है ना वो लेटरल साइड पे कराता है, अगल बगल कराता है, यानी बिट पे गिर्थ यानी बिथ और गिर्थ पे ये डिवीजन कराएगा, यानी उसकी जो चौड़ाई और मोटाई को बढ़ाएगा ये, है ना, इसलिए इसको हम लेटरल मेरिस्टम बोलते हैं। दे आर सिलेंड्रिकल मेरिस्टम, ये जो होता है लेटरल मेरिस्टम होता है और सेकेंडरी मेरिस्टम होता है, इसको हम सिलेंड्रिकल मेरिस्टम बोलते हैं। सिलेंड्रिकल मेरिस्टम क्यों बोलते हैं हमको बताया गया है, दे आर सिलेंड्रिकल मेरिस्टम, है ना। फैसिकुलर कैम्बियम, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम आर एग्जाम्पल ऑफ लेटरल मेरिस्टम, जो हमारे क्या होते हैं फैसिकुलर कैम्बियम होता है, फैसिकुलर वास्कुलर कैम्बियम होता है, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम होता है एंड कॉर कैम्बियम होता है, ये हमारे एग्जाम्पल होते हैं लेटरल मेरिस्टम के, ये हमारे जो तीनों के तीनों हैं ये हमारी लेटरल ग्रोथ करवाएंगे, यानी फैसिकुलर कैम्बियम, फैसिकुलर वास्कुलर कैम्बियम, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम, ये हमारे जो होंगे तीनों के तीनों लेटरल ग्रोथ कराएंगे, हमारी चौड़ाई में ग्रोथ करवाएंगे, प्लांट की मोटाई बढ़ाएंगे। ये दीज एग्जाम्पल आर लेटरल मेरिस्टम, है ना, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी टिश्यू, ये हमारे सेकेंडरी टिश्यू को प्रोड्यूस करने में सहायक होते हैं या रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। फॉलो डिवीजन ऑफ सेल इन बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी मेरिस्टम, और ये हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टम में डिवीजन करवाते हैं। द न्यूली फॉर्म सेल बिकम स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज एंड लॉस एबिलिटी टू डिवाइड, जो हमारे सेकेंडरी मेरिस्टम होते हैं लेटरल मेरिस्टम होते हैं इनमें जो सेल बनती है न्यूली फॉर्म जो सेल होती है वो फर्दर वो मैच्योर हो जाती है परमानेंट हो जाती है और वो अपने डिवाइडिंग कैपेसिटी को लॉस कर देती है, उसमें कोई डिवाइडिंग कैपेसिटी नहीं होती है। सच सेल टर्म एज परमानेंट और मैच्योर सेल, और ऐसी सेल को हम परमानेंट और मैच्योर सेल बोलते हैं। परमानेंट का मतलब हो गया वो हमेशा के लिए हो गया, उसमें कुछ इधर उधर नहीं हो सकता है। मैच्योर सेल मतलब वो परिपक्व हो गई, है ना, परिपक्व हो गई यानी उसमें कोई भी आगे का फर्दर डिवीजन वगैरह नहीं होगा। एंड कंस्टिट्यूट द परमानेंट टिश्यू, और ये हमारी परमानेंट टिश्यू बनाती हैं। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी, जब हमारी प्राइमरी प्लांट बॉडी बनती है, है ना, जब हमारा प्राइमरी प्लांट बॉडी बनती है यानी हमारे प्राइमरी टिश्यू आते हैं, स्पेसिफिक रीजन ऑफ एपाइकल मेरिस्टम, उसमें कुछ स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं जो कि एपाइकल मेरिस्टम होते हैं जो हमारे प्रोड्यूस करते हैं डर्मल टिश्यू, है ना, ग्राउंड टिश्यू एंड वास्कुलर टिश्यू, हमारे डर्मल टिश्यू प्रोड्यूस करेंगे, ग्राउंड टिश्यू और वास्कुलर टिश्यू प्रोड्यूस करेंगे जब हमारी प्राइमरी प्लांट बॉडी बनती है। तो हम आपको फिगर दिखाते हैं जो हमको दिया गया है एपाइकल मेरिस्टम के, रूट अपाइकल और शूट अपाइकल मेरिस्टम का जो फिगर दिया गया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फर्स्ट हमको दिखाया गया है रूट अपाइकल मेरिस्टम का, है ना, रूट अपाइकल मेरिस्टम को हमको ये इसमें दिखाया गया है रूट कैप, सबसे जो थिम्बल लाइक
प्रोजेक्शन था, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर था जो हमने मेरी सॉरी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में भी देखा था, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर था, हम उसको रूट कैप बोल रहे थे। रूट कैप जो था हमारा प्रोटेक्शन का काम कर रहा था, हमारे जो प्रोटोप्लाज्म वगैरह था उसको प्रोटेक्ट कर रहा था सॉइल से, कि हमारे सॉइल में फ्रिक्शन हो और पता कि हमारे रूट का जो प्रोटोप्लाज्म रिजर्व मटेरियल है वो सब बाहर आ जाए, तो उससे हमारा प्लांट की ग्रोथ भी ख़राब हो जाएगी और बहुत सारा प्लांट की ग्रोथ इफेक्ट होगी, है ना। इसलिए हमारा रूट कैप था वो प्रोटेक्शन का काम कर रहा था। इनिशिएशन ऑफ रूट कैप, रूट कैप हमारी जो इनिशिएशन हो रहा है यहाँ से हो रहा है, रूट कैप का इनिशिएशन हो रहा है। और ये जो हमारे हैं रूट अपाइकल मेरिस्टम है, यहाँ पे जो हमारे हैं ये हमको दिखाया गया है, यहाँ पे रूट अपाइकल मेरिस्टम है, यहाँ से हमारी ग्रोथ होगी। और यहाँ से जो हमारा ये दिख रहा है हमको, ये हमारा सिलेंड्रिकल कॉर्टेक्स है, सेंट्रल कॉर्टेक्स है। जब हमारे मेरिस्टमेटिक टिश्यू जो हैं यहाँ पे हैं इतने, यहाँ पे अभी दिखाया गया, जब ये ग्रो करेंगे तो यहाँ से हाइट बढ़ती जाएगी, इसके बीच की हाइट बढ़ेगी, तो ये ऑटोमेटिक जो हमारा सिलेंड्रिकल कॉर्टेक्स है, है ना, सिलेंड्रिकल सेंट्रल सिलेंड्रिकल है ये, इसकी भी हाइट ऊपर उठता चला जाएगा, है ना। तो इससे हमारी जो प्लांट की वो हाइट होगी वो बढ़ती चली जाएगी, है ना। इसमें क्या है हमको, और हमको क्या दिखाया गया है, और ये हमको प्रोटोडर्म दिखाया गया है ना, ये हमारे कॉर्टेक्स दिखाए गए हैं, ये हमारा जो बीच का ये सिलेंडर सेंट्रल सिलेंडर दिखाया गया है इसका, ठीक है। यहाँ पर हमारी इनिशिएशन और रूट कैप हो गई, है ना, यहाँ से हमारी रूट कैप की शुरुआत हुई, और ये हमारी ये जो पूरी जितनी है ये हमारी रूट कैप है। और नेक्स्ट हमारा जो है, नेक्स्ट हमको जो दिखाया गया है ये हमारा क्या है, सूट का है, ये सूट का यानी स्टेम का, ठीक है, सूट का। तो इसमें क्या है, इसमें देखो ये सूट अपाइकल मेरिस्टमेटिक जोन दिखाया गया है, यहाँ पे हमारे सूट अपेक्स पे होंगे ना, सूट अपेक्स पे होंगे, जो सूट अपेक्स होते हैं ये टर्मिनल होते हैं, सूट अपाइकल मेरिस्टम जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, टर्मिनल होते हैं, टर्मिनल होते हैं, ठीक है। ये लीफ प्रिमोर्डियल है हमारी, यहाँ से न्यू लीफ बनेगी, ठीक है। ये हमारी एक्सलीवर है जिसमें हमारे क्या निकलते हैं, फ्लावर्स बनते हैं हमारे एक्सलीवर से, क्या बनते हैं हमारे, फ्लावर बनते हैं और ब्रांचेज निकलते हैं इसमें, है ना, एक्सलीवर से हमारे। ये हमारी डिफ्रेंशिएटिंग वास्कुलर टिश्यू होती है, हमारे वास्कुलर टिश्यू में डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे, डिफ्रेंशिएटिंग वास्कुलर टिश्यू में। तो हम नेक्स्ट आगे देखते हैं, अब हमारा है परमानेंट टिश्यू, हमने देख लिया है ना, क्या मेरिस्टमेटिक टिश्यू तो देख लिया हमने, अब परमानेंट टिश्यू के बारे में देखेंगे। परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं परमानेंट टिश्यू, कौन कौन से होते हैं, उनके फंक्शन क्या होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग वी डिस्कस। तो परमानेंट टिश्यू क्या है, द सेल ऑफ द परमानेंट टिश्यू डू नॉट जनरली डिवाइड फर्दर। परमानेंट से ही पता चल रहा है कि जो परमानेंट टिश्यू की सेल होगी वो आगे डिवाइड नहीं करेगी, है ना, ज़्यादातर जनरली वो आगे डिवाइड नहीं करती हैं सेल। परमानेंट टिश्यू नॉट जनरली डिवाइड फर्दर, यानी फर्दर वो डिवाइड नहीं करेंगी। परमानेंट टिश्यू हैविंग ऑल सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कॉल सिंपल टिश्यू। देखो परमानेंट टिश्यू में क्या होता है, उसकी जो परमानेंट टिश्यू हैविंग ऑल सेल सिमिलर, अगर उसमें सारी की सारी सेल सिमिलर हैं, उन स्ट्रक्चर यानी सारी सेल का स्ट्रक्चर जो है सिमिलर है और उनका फंक्शन जो है वो भी सिमिलर है, तो उसको हम बोलते हैं सिंपल टिश्यू, है ना। सिंपल टिश्यू क्या होता है, जिस सेल में उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम हो तो उसको हम सिंपल टिश्यू बोलते हैं। परमानेंट टिश्यू हैविंग मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, जिसको हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलते हैं, है ना। परमानेंट टिश्यू में टू टाइप की सेल हुई, देखो सिंपल तरीके से बताते हैं हम, परमानेंट टिश्यू में टू टाइप की हुई, सिंपल टिश्यू हुए और कॉम्प्लेक्स टिश्यू हुए। जो सिंपल टिश्यू हमारे हुए इनमें जो सेल होंगी स्ट्रक्चर और फंक्शन जो होंगे इसमें सेम होंगे, फंक्शन स्ट्रक्चर जो होंगे सेम होंगे, बट इनमें जो होगा इनमें फंक्शन और स्ट्रक्चर सेम नहीं होगा, ठीक है, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोला हमने, ठीक है। अब सिंपल टिश्यू देखते हैं, सिंपल टिश्यू, ए सिंपल टिश्यू इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। जो हमारा सिंपल होगा वो सिर्फ भाई एक चीज़ से ही मिलकर बनेगा, है ना। सिंपल टिश्यू जो होगा हमारा वो एक चीज़ से ही मिलकर बनेगा। सिंपल टिश्यू मेड अप ओनली वन टाइप ऑफ द सेल, सिंपल टिश्यू जो होता है हमारा एक टाइप ऑफ सेल के मिलकर बनता है। द वेरियस सिंपल टिश्यू इन प्लांट आर, जो हमारे प्लांट में वेरियस टाइप के सिंपल टिश्यू पाए जाते हैं, कौन कौन से पाए जाते हैं हमारे, पेरेंट काइमा पाया जाता है, कोलेंट काइमा पाया जाता है एंड स्क्लेरेंट काइमा पाया जाता है। जो हमारा पेरेंट काइमा होगा, पेरेंट काइमा जो होगा हमारा मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों में पाया जाएगा। जो कोलेंट काइमा होगा ओनली डाइकॉट में पाया जाएगा। और जो हमारा स्क्लेरेंट काइमा होगा ओनली ये
मोनोकॉट प्लांट में पाया जाएगा। जो हमारा होता है पैरेन्काइमा होता है, ये मोस्ट अबंडेंट सिंपलर टिश्यू होता है, ठीक है, ये सभी में पाया जाएगा, मोनोकॉट और डाइकॉट में पाया जाता है। हम इसके बारे में आगे फर्दर पढ़ते हैं, जस्ट वेट। तो टाइप ऑफ टिश्यू, सिंपल टिश्यू जो होते हैं हमारे पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा थे। तो हमारे पैरेन्काइमा हैं, इसके बारे में देखते हैं हम। पैरेन्काइमा फॉर्म द मेजर कंपोनेंट विद इन द ऑर्गन। जो हमारा पैरेन्काइमा होता है वो मेजर कंपोनेंट बनाता है अपने ऑर्गन में, जो मेजर कंपोनेंट फॉर्म करते हैं। द सेल ऑफ द पैरेन्काइमा, जो पैरेन्काइमा की जो सेल होती हैं जनरली आइसोडायमेट्रिक होती हैं, ये स्फेरिकल भी होती हैं, है ना, स्फेरिकल भी होती हैं, ये ओवल भी हो सकती हैं, राउंड भी हो सकती हैं, पॉलीगोनल टाइप की भी हो सकती हैं, और इलोंगेटेड शेप में भी हो सकती हैं। यानी स्फेरिकल होंगी, है ना, आइसोडायमेट्रिक होंगी, ओवल होंगी, राउंड होंगी, पॉलीगोनल होंगी, और इलोंगेटेड इन शेप होंगी। इन देयर वाल आर थिन एंड मेड अप ऑफ द सेलुलोज। इनकी जो वाल होती है वो थिन होती है, बहुत पतली वाल होती है, और सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। देयर वाल वेरी थिन एंड मेड अप ऑफ द सेलुलोज, यानी सेलुलोज से मिलकर बनी थी। दे मे आइदर बी क्लोजली पैक्ड और हैव स्मॉल इंटर सेलुलर स्पेस। इनकी जो सेल होगी वो किससे किससे मिलकर बनी होगी, इनकी जो सेल होगी वो थिन होगी और सेलुलोज से मिलकर बनी होगी, वो जो कि वो क्लोजली पैक्ड हो सकती हैं, यानी बहुत पास पास भी पैक हो सकती हैं, और या फिर उसमें स्मॉल इंटर सेलुलर स्पेस होगा, यानी इसमें छोटी छोटी स्मॉल इंटर सेलुलर स्पेस होगा। द पैरेन्काइमा परफॉर्म द वेरियस फंक्शन। जो पैरेन्काइमा होते हैं वो वेरियस मतलब डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उनका फंक्शन क्या क्या हो सकता है, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो ग्रीन होते हैं ना, ग्रीन होंगे तो उसमें वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे, उसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा, है ना, और सनलाइट के प्रेजेंट में वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में अपना भोजन खुद बनाएंगे। और वो स्टोरेज भी करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंट का वो स्टोरेज भी करते हैं, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, है ना, और वो सिक्रीशन भी करते हैं, वो सिक्रीशन में भी हेल्प करते हैं। तो हम इसका पैरेन्काइमा का फिगर देख लेते हैं। तो हमको पैरेन्काइमा का फिगर दिखाया गया, हमको ये दिखाया गया है ना, ये हमारा जो है पैरेन्काइमा का फिगर है, ये पैरेन्काइमा का फिगर है। इसमें जो देखो ग्रीन कलर की दिखाई गई है ना, ये हमको ग्रीन दिखाए गए हैं, ग्रीन दिखाया गया है, यानी ये फोटोसिंथेसिस करेगा और हमारा स्टोरेज करेगा, है ना, और सिक्रीशन भी करेगा। इसमें इंटरसेलुलर स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस पाया जा रहा है ना, ये क्लोजली पैक्ड हैं, कुछ कुछ तो क्लोजली पैक हैं, यहाँ पे स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जा रहा है, यहाँ पे पाया जा रहा है, क्योंकि कुछ कुछ सेल क्लोजली पैक हैं, कुछ कुछ इसमें स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस पाया जा रहा है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कोलेन्काइमा, है ना, कोलेन्काइमा क्या होता है ये हम देखते हैं। ये कोलेन्काइमा अकर्स इन लेयर बिलो द एपिडर्मिस ऑफ द मोस्ट डाइकॉट प्लांट, है ना। ये हमारा जो कोलेन्काइमा होता है, ये कोलेन्काइमा अकर्स इन लेयर बिलो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे है ना, बिलो बोला है यानी हाइपोडर्मिस में पाया जाएगा। ईपी के नीचे जो होता है वो हाइपोडर्मिस होता है, हाइपोडर्मिस, है ना, ये हाइपोडर्मिस में पाया जाएगा, डाइकॉट प्लांट में, है ना, डाइकॉट प्लांट के हाइपोडर्मिस में पाया जाएगा। इट इज फाउंड आइदर बी होमोजीनस लेयर और इन पैचेज। ये होमोजीनस लेयर में पाया जा सकता है, यानी वो एक लेयर में पाया जाएगा, होमो मतलब सेम, जीनस लेयर मतलब एक टाइप की लेयर में पाया जा सकता है, या फिर वो पैचेज में पाया जा सकता है। इट कंसिस्ट ऑफ सेल विच आर मच थिकेंड एट द कॉर्नर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन, है ना। इसकी जो सेल होती हैं, इसकी जो कॉर्नर की सेल होती हैं वो थिक हो जाती हैं। वो थिक क्यों हो जाती हैं, क्योंकि उसमें डिपोजिशन हो जाता है डिफरेंट डिफरेंट सबस्टेंट का। वो कौन कौन से सबस्टेंट होते हैं, वो हमारे सेलुलोज होते हैं, हेमीसेलुलोज होते हैं और पैक्टिन होते हैं, यानी इनका डिपोजिशन हो जाता है, इसलिए उसकी कॉर्नर जो होती हैं वो थिक हो जाते हैं, है ना, कॉर्नर के जो होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। कोलेन्काइमा होती है, इसमें सेलुलोज, हेमोसेलुलोज और पेक्टिन का डिपोजिशन हो जाता है ना, तभी हमारी इनकी जो वाल होती है, कभी इसकी जो वाल होती है वो हमारी ठीक हो जाती है कॉर्नर पे। तो कभी कभी हमसे पूछ लेता है सेलुलोज, हेमोसेलुलोज और पेक्टिन का रेशियो क्या होता है, किस रेशियो पे वो डिपोजिट होते हैं। तो हमारा जो सेलुलोज होता है उसका जो रेशियो होता है वो 35% होता है, और जो हमारा हेमीसेलुलोज होता है वो 20% होता है, और जो हमारा पैक्टिन होता है वो 45% होता है, यानी सबसे ज़्यादा मात्रा में जो होता है वो हमारा पैक्टिन का डिपोजिशन होता है, ठीक है। सो हम नेक्स्ट देखते हैं, जो वहाँ कोलेन्काइमा की जो हमारी सेल होंगी, कोलेन्काइमा की जो सेल होंगी हमारी, ये भी ओवल हो सकती हैं, स्फेरिकल हो सकती हैं, पॉलीगोनल हो सकती हैं, इवन
ऑफ्टन ये क्लोरोप्लास्ट भी कंटेन करती हैं, इनमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है, तो ये भी हमारी फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे। अगर इसमें क्लोरोप्लास्ट है तो हमारी फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगी, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगी। दी सेल एसिमिलेट फूड व्हेन दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट। ये सेल जो होती है हमारी एसिमिलेट फूड, एसिमिलेशन का मतलब होता है बनाना, है ना, बनाना मतलब ये खाना फूड बनाएंगे, एसिमिलेट फूड अपना बनाएंगी अगर इनमें क्लोरोप्लास्ट है। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है वो अब्सेंट होता है, इसमें इंटरसेलुलर अब्सेंट जो होता है स्पेस अब्सेंस होता है। दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये हमारी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट। सो मैंने आपको बता दिया है जो होते हैं कोलेनकाइमा होते हैं, इनकी जो वाल होती है कॉर्नर पे ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमोसेलुलोज और पेक्टिन की वजह से ही कॉर्नर इसके जो होते हैं वो थिक हो जाते हैं। कोलेनकाइमा जो होते हैं वो ओवल होते हैं, स्फेरिकल भी हो सकते हैं, पॉलीगोनल भी हो सकते हैं। ऑफ्टन अगर ये इनमें क्लोरोप्लास्ट है ना तो ये भी फोटोसिंथेसिस करेंगे, ये अपना फूड जो है वो एसिमिलेट करेंगे, अपना ये फूड खुद बना लेंगे, ये फूड अपना खुद बना लेंगे, है ना। इसमें ये इंटरसेलुलर स्पेसेस होता है वो अब्सेंट होता है, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस होगा सॉरी तो वो अब्सेंट होगा, यानी इंटरसेलुलर स्पेस जो होगा इसमें अब्सेंट होगा। और ये प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं। ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज यंग स्टेम एंड पेटियोल ऑफ लीफ, है ना, पेटियोल ऑफ लीफ और यंग स्टेम को ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं ये जो पार्ट्स होते हैं ये नाजुक होते हैं, इसलिए इनको मैकेनिकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि सारे की ज़रूरत होती है। तो इसके बाद हम देखते हैं स्क्लेनकाइमा। स्क्लेनकाइमा जो होता है हमारा ये क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो सेल विद थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल हैविंग ए फ्यू और न्यूमरस पिट, है ना। तो इसका मतलब ये जो स्क्लेनकाइमा होंगे हमारे ये मोनोकॉट में पाए जाएंगे। स्क्लेनकाइमा जो होते हैं हमारे ये किस में पाए जाते हैं, ये हमारे मोनोकॉट में पाए जाते हैं, मोनोकॉट प्लांट में पाए जाते हैं, मोनोकॉट प्लांट में ये हमारे स्क्लेनकाइमा पाए जाएंगे। ये क्या क्या हो सकते हैं, लॉन्ग हो सकते हैं, नैरो सेल हो सकती हैं इनकी, ये लॉन्ग होंगे नैरो सेल होंगी और थिक होंगी और लिग्निफाइड सेल वाल, लिग्निफाइड सेल वाल का मतलब होता है वो डेड, जहाँ पे भी लिग्निफाइड वर्ड आ गया तो उसका मतलब हो जाएगा वो डेड होगा, है ना, वो वहाँ की सेल जो होगी वो डेड होगी। इसमें कुछ न्यूमरस पिट हो सकते हैं, पिट मतलब होता है एक चैनल टाइप का, ठीक है, पिट मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे जो स्पेस होगा इसको हम पिट बोलते हैं, ठीक है, मतलब ये सेल होगी एक, ये सेल होगी, इनके बीच जो एक चैनल टाइप का है उसको हम पिट बोलते हैं, है ना। दे आर यूजली डेड, क्योंकि इसमें जो हमारा लिग्निफाइड बोला था इसलिए ये क्या होगी, यूजली डेड विदाउट प्रोटोप्लास्ट, इसमें प्रोटोप्लास्ट नहीं होता, ये डेड होती है। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन फॉर्म स्ट्रक्चर ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, इनकी वेरिएशन के बेसिस पे यानी इनके फॉर्म के बेसिस पे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे और ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के बेसिस पे स्क्लेनकाइमा को आइदर ये फाइबर्स और फाइबर्स बोल सकते हैं या स्क्लेरेट बोल सकते हैं, है ना, फाइबर और स्क्लेट कब बोल सकते हैं, किसके किसके बेसिस पे, वेरिएशन इन फॉर्म, इनकी फॉर्म के बेसिस पे, है ना, इनका स्ट्रक्चर कैसा है, इनकी ओरिजिन क्या है, इनके डेवलपमेंट क्या है, इसके बेसिस पे हम इनको स्क्लेनकाइमा को फाइबर्स बोल सकते हैं और स्क्लेरेट बोल सकते हैं। जो हमारे फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स और जो फाइबर्स जो होते हैं हमारे वो थिक वॉल होते हैं, फाइबर्स की जो वॉल होती है वो थिक होती है और इलांगोटेड होती है और पॉइंटेड सेल होते हैं, है ना। फाइबर्स की जो वॉल होगी वो क्या होगी, फाइबर्स की वॉल होगी वो थिक होगी, इलांगोटेड होगी यानी नुकीली होगी, इलांगोटेड यानी लंबी होगी और पॉइंटेड मतलब यानी वो नुकीली सेल होगी, है ना। जनरली अकर्स इन ग्रुप, जो हमारे फाइबर्स होते हैं वो ग्रुप पे अकर्स होते हैं यानी एक साथ ग्रुप में होते हैं। इन वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट यानी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट में जो हमारे फाइबर्स होंगे वो ग्रुप में पाए जाएंगे, उनकी वाल होगी थिक वाल होगी, इलांगेटेड होगी यानी लंबी होगी और पॉइंटेड सेल होंगी, उनकी सेल जो होगी पॉइंटेड होंगी। जो हमारी स्क्लेरेट होती है, स्क्लेरेट क्या होती है, स्क्लेरेट या स्पेरिकल, इसके नाम से ही पता चल रहा है, स्क्लेरेट यानी होगी तो स्पेरिकल होंगी, है ना, ओवल होंगी यानी ये अंडाकार होंगी, सिलेंड्रिकल होंगी, सिलेंड्रिकल के शेप में होंगी और हाईली थिकेंड, ये हाईली थिक होती हैं, डेड सेल विथ वेरी नैरो कैविटी, है ना, हाईली थिक होती है, इनकी जो कैविटी होती है नैरो कैविटी होती है यानी इनका जो कैविटी यानी लूमेन जो होता है इनका बहुत नैरो होता है। दे आर कॉमनली फाउंड इन फ्रूट वॉल पे पाई जाती हैं ऑफ नट, है ना, फ्रूट वॉल ऑफ नट पे पाई जाती हैं। पल्प ऑफ फ्रूट लाइक जो पल्प फ्रूट जो होते हैं हमारे गावा होते हैं, पियर होता है और सपोटा होता है,
है ना, ये जो फ्रूट होते हैं हमारे, ये पल्प फ्रूट पे आते हैं, इनको पल्प फ्रूट बोलते हैं। और ये फ्रूट बॉल ऑफ नट पे भी पाए जाती हैं, पल्प फ्रूट जैसे लाइक गोवा, पियर और सपोटा हमारे हो गए, है ना। और जो हमारे सीड होते हैं ये हमारे सीड कोट में पाई जाती हैं, है ना, सीड में भी पाई जाएंगी। तो कहाँ पर पाई जाएंगी? सीड कोट ऑफ लेग्यूम, लेग्यूम यानी हमारी जो होती हैं दाल वाली फैमिली होती है, यानी पल्स फैमिली, है ना, पल्स फैमिली वाली जो होती हैं फवेसी वाली, उनके सीड कोट में पाई जाएंगी, है ना। और जो लीफ होती हैं, लीफ्स ऑफ टी यानी चाय की पत्ती पे भी पाई जाएंगी, है ना, स्क्लेट जो होंगी चाय की पत्ती में पाई जाएंगी, लेग्यूम सीड कोट में पाई जाएंगी। और जो हमारे पल्प लाइक फ्रूट जो होती है गोवा, पियर, सपोटा पे पाई जाएंगी, और फ्रूट नट वॉल पे भी पाई जाएंगी, है ना। स्क्लेन काइमा प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू ऑर्गन, ये भी हमारे स्क्लेन काइमा जो होते हैं ये भी हमारे मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, मोनोकॉट में पाए जाते हैं, मोनोकॉट प्लांट में मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं। जो हमारा कोलन काइमा था वो डाइकॉट में, मोनोकॉट दोनों में पाया जा रहा था, और जो हमारा पैरेंट काइमा था वो हमारा मोनोकॉट डाइकॉट दोनों में पाया जा रहा था, बट हमारा जो कोलन काइमा था वो ओनली वो डाइकॉट में पाया जा रहा था, स्क्लेन काइमा हमारा मोनोकॉट में पाया जा रहा था। सो इसके हम फिगर आपको दिखा देते हैं, ये हमको सिंपल टिश्यू के बारे में दिखाए गए हैं, है ना, पैरेंट काइमा, कोलन काइमा, स्क्लेन काइमा के बारे में दिखाए गए हैं। तो हमने आप पैरेंट काइमा के बारे में दिखा दिया था, ये ग्रीन थी, इसमें स्मॉल इंट्रासेलुलर स्पेस थे, ना। ये जो सेकंड फिगर दिया गया हमको, ये कोलन काइमा का दिया गया है, ये कोलन काइमा का दिया गया है, इसमें जो ठीक है ठीक जो कॉर्नर है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमोसेलुलोज और पेक्टिन की वजह से इसकी डिपोजिशन हो गया, इसमें ग्रीन ग्रीन सेल्स पाई जा रही हैं, है ना, ग्रीन सेल्स पाई जा रही हैं। तो ये हमारा फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करेगा, यानी अपना फूड एसिमिलेट करेगा, यानी अपना फूड बनाएगा। इसमें जो सेंटर में है ये वैक्यूल है ना, वैक्यूल जो प्लांट का कैरेक्टर होता है ना, वैक्यूल पाया जाता है। इनमें सेल वॉल है, ये आउटर जो है ये सेल वॉल है ना। और इसमें जो बीच में है ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है ये प्रोटोप्लाज्म है ना, प्रोटोप्लाज्म है। और इसमें हमको ये फाइबर्स का और स्केलेटन का हमको फिगर दिया गया है। फाइबर्स का जो लूमेन है वो वाइड लूमेन है ना, पॉइंटेड है, पॉइंटेड सेल है इनकी, इलोंगेटेड यानी वे लंबी हैं, है ना। इसमें पिट पाए जा रहे हैं, ये देखो हम आपको बता रहे थे ना, पिट जो पा रहे थे, पिट पाए जा रहे थे चैनल के तरीके, ये पिट है, ठीक है। इसकी जो वॉल है वो थिक वॉल है ना, ये इसका लूमेन है वाइड है, इसमें सेल वॉल थी, ठीक है। और जो हमारा स्केलेटन है इसमें क्या है, इसके भी थिक वॉल, थिक सेल है, सेल वॉल है इसकी, है ना। इसमें जो लूमेन है, इसका जो लूमेन है वो वाइड नहीं है, नैरो लूमेन है, यानी इसकी जो कैविटी है नैरो है। और इसमें भी पिट्स पाए जा रहे थे, चैनल टाइप के पाए जा रहे थे, ये स्केलेटन है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारा ये सिंपल टिश्यू हो गया, अब हम देखते हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में, सॉरी कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में हमारे क्या आते हैं, जो एक सेल से मिलकर नहीं बने होंगे, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल होंगी, तो उसको हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में हमारे जाइलम और फ्लोएम आते हैं, है ना, जो कि एक सेल से मिलकर नहीं बने होते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू देख लेते हैं, जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, है ना। कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होते हैं हमारे एक सेल से मिलके नहीं बने होते, यानी मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं। दीज वर्क टुगेदर एच ए यूनिट, और वो सब मिलके एक यूनिट यानी एक इकाई के रूप में वर्क करते हैं, है ना। वो सारे के सारे मिलके एक यूनिट यानी इकाई के रूप में अपना वर्क करते हैं, जिनमें कि हमारे जो होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू में हमारे क्या क्या आते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में हम आते हैं, जो हमारे आते हैं वो जाइलम और फ्लोएम है ना। जाइलम और फ्लोएम को हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू में कंसिडर करते हैं इन प्लांट, ठीक है। जो हमारे जाइलम का फंक्शन क्या होता है, जाइलम का फंक्शन हम उसके नाम से ही पता चल रहा है उसके फंक्शन के बारे में। जाइलम को हम हिंदी में ऐसे लिखते हैं ना, जाइलम, जाइलम, जाइलम में जे आया, जा आया, तो इसका मतलब है जाइलम जो करेगा उसका काम क्या होगा, जल यानी वाटर कंडक्शन, ठीक है, वाटर का कंडक्शन करेगा, मिनरल का कंडक्शन करेगा जाइलम, ठीक है। जाइलम फंक्शन है कंडक्टिंग टिश्यू, जो हमारा जाइलम होता है फंक्शन है कंडक्टिंग टिश्यू के तरीके काम करता है, किसका किसका कंडक्शन कराता है, वाटर का कंडक्शन कराता है, मिनरल का कंडक्शन कराता है फ्रॉम रूट टू स्टेम एंड लीव्स, है ना। हमारा रूट से स्टेम और लीव में वाटर का कंडक्शन कराएगा, मिनरल का कंडक्शन कराएगा। इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट, और ये हमारे प्लांट पार्ट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है, यानी उसकी एक तन्य सामर्थ्य स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है उसको, है ना, प्लांट पार्ट्स को। इट कंपोज ऑफ फोर डिफरेंट
काइंड ऑफ एलिमेंट, जो हमारा जाइलम होता है फोर डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल सॉरी एलिमेंट से मिलके बनता है, उसके जो नाम है क्या क्या हैं, जाइलम ट्रैकेट्स होती हैं, जाइलम वेसल्स होती हैं, है ना, जाइलम फाइबर्स होते हैं और जाइलम पैरेन्काइमा होते हैं। यानी इसमें हमारी ट्रैकेट्स आएंगी, जाइलम जो बनेगा उसमें वेसल्स आएंगी, उसमें जाइलम फाइबर्स आएंगे और जाइलम पैरेन्काइमा आएगा। इसमें से चार में से हमारे जो होते हैं सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा जो होते हैं ये लिविंग होते हैं। इन चार कंपोनेंट में सिर्फ जो हमारे जाइलम पैरेन्काइमा होते हैं ये सिर्फ हमारे लिविंग होते हैं, बाकी जो ट्रैकेट होती हैं, वेसल्स होती हैं और जाइलम फाइबर्स होती हैं ये डेड होती हैं, ये लिविंग नहीं होती हैं। ये डिफरेंट काइमा जाइलम सॉरी ट्रैकेट्स हो गई, वेसल्स हो गई, जाइलम फाइबर हो गया, जाइलम पैरेन्काइमा हो गया, इनसे मिलकर हमारा जाइलम बनता है, है ना। जिम्नोस्पर्म लैक वेसल्स जो हमारी होती हैं जिम्नोस्पर्म में होती हैं वो उसमें वेसल्स नहीं पाई जाती हैं, इन देयर जाइलम, जो हमारे जिम्नोस्पर्म के जाइलम होते हैं उनमें वेसल्स नहीं पाई जाती हैं। ये हमारा इम्पोर्टेंट है, ये हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हमारे जिम्नोस्पर्म में क्या क्या एब्सेंट होता है, है ना, ये हमारा जो है इम्पोर्टेंट है कि हमारे जिम्नोस्पर्म में क्या एब्सेंट होता है। तो जिम्नोस्पर्म में जो हमारी होती हैं वेसल नहीं पाई जाती हैं, इन देयर जाइलम, है ना। ट्रैकेट जो होते हैं, ट्रैकेट क्या होते हैं, जो हम ट्रैकेट है, ट्रैकेट आर इलोंगेटेड और ट्यूब लाइक सेल विथ थिक और लिग्निफाइड वॉल एंड टेपरिंग इट। जो हमारे ट्रैकेट्स होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं, यानी लंबे होते हैं, ट्यूब लाइक सेल्स होती हैं उनमें विथ थिक और लिग्निफाइड वॉल एंड टेपरिंग इट। उनकी थिक वॉल होती है और लिग्निफाइड वॉल होती है, यानी डेड होती है। मैंने आपको बताया था जहाँ पर लिग्निफाइड वॉल आ जाए तो वहाँ का मतलब होगा डेड। मैंने आपको ये भी बताया इसमें सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा जो हैं वो सिर्फ लिविंग है, बाकी जाइलम में जितने कंपोनेंट हैं वो वेसल्स हो गए, है ना, और फाइबर्स हो गए, ये हैं डेड हैं, ठीक है। सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा जो हैं वो हमारा लिविंग है। दीज आर डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लाज्म, यानी ट्रैकेट में डेड होती हैं, प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। द इनर लेयर ऑफ द सेल वॉल हैव थिकनिंग विच वेरी इन फॉर्म, जो इनर लेयर में थिकनिंग होती है वो वेरी करती है, कहीं पे ज़्यादा होगी कहीं पे कम होगी, है ना, वो वेरी करती रहेगी। इन फ्लॉरिंग प्लांट्स, यानी हमारे एंजियोस्पर्म, फ्लॉरिंग प्लांट को हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं, ट्रैकेट्स एंड वेसल्स आर द मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट। जो हमारे एंजियोस्पर्म होते हैं, जो हमारे फ्लॉरिंग प्लांट होते हैं, इसमें ट्रैकेट्स और जो हमारी वेसल्स होती हैं वो मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट होती हैं, यानी हमारे ट्रैकेट्स और वेसल्स से हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट होगा इन फ्लॉरिंग प्लांट में। वेसल क्या होती है, हमने ट्रैकेट्स के बारे में देख लिया, वेसल्स क्या होती हमारी वेसल्स होती है लॉन्ग सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मेनी सेल कॉल्ड वेसल मेम्बर, है ना। जो हमारी वेसल्स होती है वे लॉन्ग होती है, सिलेंडर लाइक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, मेड अप ऑफ द सेल, जिस सेल से मिलकर बनती है, है ना, जो सेल इसको बनाती हैं वो वेसल्स मेम्बर्स होती हैं, है ना। ईच विथ लिग्निफाइड वॉल, ये भी हमारी होती है, लिग्निफाइड होती है ये भी, यानी डेड होती है। एंड लार्ज सेंट्रल कैविटी, इसमें जो होती है वेसल्स में हमारी होती है, इसमें क्या होती है लार्ज सेंट्रल कैविटी होती है, जो बीच की कैविटी होगी इसमें वो चौड़ी होगी, वाइड होगी, है ना, वाइड लूमेन होगा इसका। दीज वेसल्स आर आल्सो डिवाइड प्रोटोप्लाज्म, यानी इसमें भी ये हैं, इसमें क्या है, डिवाइड मतलब होता है, डिवाइड का मतलब होता है एब्सेंट, डिवाइड का मतलब होता है एब्सेंट, यानी इसमें भी जो होगा वेसल्स में भी प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा, यानी ये डेड होंगी, ठीक है। वेसल मेंबर आर इंटरकनेक्टेड थ्रू द परफोरेशन इन देयर कॉमन वॉल, जो वेसल्स मेंबर्स होते हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, परफोरेशन का मतलब होता है उसमें छेद होना, है ना, हैविंग होल, है ना, यानी उसमें होल होंगे एक दूसरे से, वो इंटरकनेक्टेड होंगे होल के थ्रू, है ना। वेसल मेंबर आर इंटरकनेक्टेड थ्रू द परफोरेशन इन देयर कॉमन वॉल, में उनके होल होंगे। द प्रेजेंस ऑफ वेसल्स इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एंजियोस्पर्म, यानी जो वेसल्स का पाया जाना, सिर्फ वेसल्स जो पाई जाती है हमारी एंजियोस्पर्म में पाई जाती है, यानी फ्लॉरिंग प्लांट में पाई जाती है हमारी, ये जो है प्रेजेंस ऑफ वेसल्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, जो एंजियोस्पर्म में सिर्फ वेसल्स पाई जाती हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमारा क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, ठीक है। अब हम इसके बारे में देखते हैं, हमने ट्रैकेट देख लिया, वेसल देख लिया, वेसल का जो लूमेन था वो वाइट था, है ना, इसमें ये भी हमारा डेड था, इसमें भी प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जा रहा था। अब हमने देखते हैं जाइलम फाइबर, हाईली थिक्ड
वॉल, जेलम फाइबर्स जो होते हैं इनमें भी हाइली थिक वॉल होती है एंड ऑब्लिगेट सेंट्रल लूमेंस, है ना, इसमें ऑब्लिगेट सेंट्रल लूमेन होता है। दीज में आइदर भी सेपरेट, ये सेपरेट हो सकते हैं, सेपरेट का मतलब उसमें ब्रांच होगी, है ना, मान लो ये ट्यूब है, मान लो ट्यूब है, है ना, सपोर्ट डेट ये फाइबर है, ठीक है। अब सेपरेट बोला है तो अगर उसमें ऐसे सेप्टा होंगे तो इसको हम बोलेंगे सेपरेट, इसको हम क्या बोलेंगे, सेप्टेड, सेप्टेड। अगर इसमें सेप्टा नहीं है तो ये सेप्टेड बोलेंगे, यानी इसमें क्रॉस वॉल नहीं है उसको ए सेप्टेड बोलेंगे, ठीक है। जाइलम फाइबर आई हाईली थिक वॉल एंड ऑब्लिगेट सेंट्रल लूमेन, दे मे बी आइदर भी सेप्टेड, ये सेप्टेड हो सकते हैं और ए सेप्टेड भी हो सकते हैं, है ना। अब इसके बाद हमारा क्या दिया गया, जाइलम पैरेन्काइमा दिया गया है। तो जो जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है ये सिर्फ हमारा जो होता है ये लिविंग होता है, है ना। जाइलम पैरेन्काइमा सेल इज लिविंग, क्योंकि इसमें पैरेन्काइमा जो होता है वो लिविंग होता है। एंड थिन वॉल्ड जाइलम पैरेन्काइमा की सेल होती है वो लिविंग होती है, थिन वॉल्ड होती है। देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ द सेलुलोज, इसकी जो सेल वॉल बनी होती है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, इनकी सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। दे स्टोर फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और फैट, हमारे जाइलम पैरेन्काइमा जो होते हैं वो हमारे फूड स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और फैट, है ना, स्टार्च और फैट के रूप में फूड स्टोरेज करते हैं। अदर सबस्टेंट, और कुछ अदर दूसरे सबस्टेंट्स होते हैं जो टेनिन्स होते हैं, है ना, टेनिन को हम क्या बोलते हैं, टेनिन जो होते हैं हमारे पॉलीफिनॉल होते हैं, है ना, टेनिन को हम बोलते हैं पॉलीफिनॉल मॉलिक्यूल होते हैं हमारे टेनिन जो होते हैं हमारे पॉलीफिनॉल मॉलिक्यूल होते हैं। इसका जो फार्मूला होता है C6H5OH, ठीक है, C6H5OH जो होते हैं पॉलीफिनॉल मॉलिक्यूल होते हैं, ना एरोमेटिक होते हैं, ठीक है, ये टेनिन हमारे पॉलीफिनॉल मॉलिक्यूल होते हैं, ये हमारा जाइलम पैरेन्काइमा स्टोर करता है। इसमें जो है रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक प्लेस बाय द रेस ऑफ पैरेन्काइमा, इनमें जो रेडियल कंडक्शन होगा वाटर का, रेडियल कंडक्शन होगा रेस ऑफ पैरेन्काइमा टच सेल के थ्रू होगा, ठीक है। इसमें क्या है, प्राइमरी जाइलम इज ऑफ टू टाइप, इसमें जो प्राइमरी जाइलम होता है वो टू टाइप का होता है ना, एक प्रोटोजाइलम होता है, एक मेटाजाइलम होता है। प्रो मतलब होता है पहले, प्रो मतलब पहले, यानी वो पहले बना है ना, प्रोटोजाइलम कॉल फर्स्ट फॉर्म जाइलम, है ना, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। तो फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम एलिमेंट कॉल्ड प्रोटोजाइलम, जो हमारा पहले बनता है एलिमेंट उसको हम प्रोटोजाइलम बोलते हैं, एंड लेटर फॉर्म प्राइमरी जाइलम को हम मेटाजाइलम बोलते हैं। जो हमारा पहले बनेगा उसको हम प्रोटोजाइलम बोलेंगे, जो हमारा लेटर प्राइमरी जाइलम बनेगा उसको हम मेटाजाइलम बोलते हैं। इन स्टेम, जो हमारा स्टेम और रूट में अलग अलग कंडीशन पाई जाती हैं कि हमारा मेटाजाइलम पेरिफेरी होता है या सेंटर की तरफ होता है, तो उसके बेसिस पे हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, अलग अलग उसमें डिवाइड करते हैं। जो हमारा होता है स्टेम में होता है, इन स्टेम प्रोटोजाइलम, यानी जो प्रोटोजाइलम लाइव टूवर्ड्स सेंट्रल पिथ, यानी जो हमारा पहले जाइलम बना वो हमारा सेंटर की तरफ होगा, एंड जो मेटाजाइलम होगा वो पेरी पेरी की तरफ होगा, है ना, पेरीफेरी ऑफ ऑर्गन, है ना, पेरीफेरी ऑफ द ऑर्गन। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं दिस टाइप प्राइमरी जाइलम कॉल इंडार्च कंडीशन, यानी अगर हमारा प्रोटोजाइलम जो हुआ स्टेम के केस में, प्रोटोजाइलम अगर हमारा सेंटर की तरफ हुआ, पिट की तरफ हुआ, यानी पिट की तरफ हमारा जो हुआ प्रोटोजाइलम, और जो हमारा मेटाजाइलम हुआ वो पेरीफेरी की तरफ हुआ, यानी बाहर की तरफ हुआ, ये कंडीशन स्टेम में क्या कहलाती है, इंडार्च कहलाती है। तो इससे याद करने के लिए है ना यस्टडी से हम याद कर सकते हैं स्टेम में जो होगी वो क्या होगी, इंडार्च, स्टेम में जो होगी वो इंडार्च कंडीशन होगी। इंडार्च कंडीशन क्या होती है, जो प्रोटोजाइलम होता है वो सेंटर की तरफ होता है और जो मेटाजाइलम होता है वो पेरीफेरी की तरफ होता है। ये इंडार्च कंडीशन किसमें पाई जाती है, स्टेम में पाई जाती है। इन रूट द प्रोटोजाइलम, रूट में कौन सी कंडीशन होती है वो देखते हैं। इन रूट द प्रोटोजाइलम लाइज टूवर्ड्स पेरीफेरी, है ना, प्रोटोजाइलम जो रूट में होता है, जो प्रोटोजाइलम जो पहले जाइलम बनता है वो पेरीफेरी की तरफ होता है, मेटाजाइलम लाइज टूवर्ड सेंटर। रूट के केस में जो होता है प्रोटोजाइलम जो होता है वो बाहर की तरफ होता है और मेटाजाइलम जो होता है वो सेंटर की तरफ होता है। तो सच अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी जाइलम, तो ऐसे प्राइमरी जाइलम के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, एग्जार्थ बोलते हैं। एग्जार्थ से हम ऐसे याद कर सकते हैं, RX, हम डॉक्टर बनने वाले हैं तो RX वर्सेस हम पता होना चाहिए हमको। R मतलब रूट,
आर का मतलब होता है रूट, और यक्स से मतलब हो गया हमारा एग्जार्च, ठीक है। एग्जार्च में यक्स आया तो हम इससे पढ़ लेंगे एग्जार्च, ठीक है। यानी ये हमारा रूट में जो होगी एग्जार्च कंडीशन पाई जाएगी। एग्जार्च कंडीशन क्या होगी, प्रोटोजाइलम जो होगा पहले बनने वाला जाइलम जो होगा वो हमारा पेरीफेरी होगा, मेटाजाइलम जो होगा वो सेंटर की तरफ होगा, ठीक है। जो हमारा होता है फ्लोएम, फ्लोएम क्या काम करते हैं, हमने जाइलम का काम तो देख लिया है ना। जाइलम के हम आपको फिगर भी दिखा देते हैं, जाइलम को जो फिगर दिए गए हैं एनसीईआरटी में हमको उसके कंपोनेंट के, है ना, सॉरी वो बाद में दिया गया है जी। हमें ये ट्रैकेट दिखाया गया, हमको वेसल दिखाए गए हैं, ट्रैकेट दिखाए गए हैं और हमको वेसल दिखाए गए हैं। ट्रैकेट का जो लूमेन जो है हमारा नैरो लूमेन है ना, इलोंगेटेड है, पॉइंटेड है सिलेंट की, और जो हमारा वेसल्स है इसका वाइड लूमेन है, परफोरेटेड है, इनमें छिद्र पाए जा रहे हैं, इनकी लूमेन में जो है परफोरेटेड है, वाइड लूमेन है हमारा वेसल्स का, ठीक है। और ये हमारा क्या है, हम बी वाला हमको फ्लोएम का दिखाया गया है। हम ये फ्लोएम, इसमें फ्लोएम में क्या हमारा सीव पोर्स होते हैं, सीव ट्यूब्स होते हैं, सीव ट्यूब एलिमेंट होते हैं, ये बार का हमको फ्लोएम दिखाया गया। फ्लोएम पैरेंट का हमारा ग्रीन होता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा, स्टोरेज करेगा, सिक्रीशन करेगा, है ना, कंपेनियन सेल है। ये हम फ्लोएम पढ़ेंगे, उसके बाद आपको हम दिखाऊंगा। फ्लोएम देखते हैं, फ्लोएम क्या होता है, हमने जाइलम के बारे में देख लिया। जाइलम जो होता है वाटर मिनरल का कंडक्शन करता है ना, ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। अब इसके बाद हमारा फ्लोएम आया। फ्लोएम क्या है, ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल। फ्लोएम जो होता है हमारा, फ्लोएम इसके नाम से ही पता चल रहा है, फ्लोएम, फ्लोएम से हमको पता चला फूड, है ना, यस से फ्लोएम, यस से फूड, यानी ये फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा, फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करेगा, यूजली फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट। यानी हमारी जो लीफ होती हैं वो फोटोसिंथेसिस के दौरान हमारा भोजन बनाती हैं, और जो हमारा जो फूड होता है, फूड मटेरियल होता है, वो हमारी लीफ से अदर पार्ट ऑफ प्लांट की तरफ जाता है। फ्लोएम इन एंजियोस्पर्म बीच कंपोज ऑफ, जो एंजियोस्पर्म की फ्लोएम होते हैं उनमें क्या क्या होता है, उसमें ट्यूब ट्यूब एलिमेंट होते हैं, कंपेनियन सेल होते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा होते हैं, और क्या होता है हमारा फ्लोएम फाइबर होता है ना, इसमें फ्लोएम फाइबर्स होते हैं। तो इसमें सिर्फ हमारे जो फ्लोएम फाइबर होते हैं ये डेड होते हैं, सिर्फ हमारे फ्लोएम फाइबर से डेड होते हैं, है ना। फ्लोएम में सिर्फ हमारे फ्लोएम फाइबर डेड होते हैं, और जो हमने जाइलम में देखा था सिर्फ हमारे जाइलम, जाइलम पैरेन्काइमा जो होते हैं वो सिर्फ लिविंग थे, बाकी सारे के सारे डेड थे, बट में फ्लोएम में हमारे सिर्फ फ्लोएम फाइबर डेड है, ठीक है, फ्लोएम फाइबर डेड है। जिम्नोस्पर्म है एल्बुमिनस सेल एंड ट्यूब सेल्स, है ना। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं एल्बुमिनस सेल होती हैं, एल्बुमिनस सेल यानी होगी वो प्रोटीन की बनी होगी, है ना, एंड ट्यूब सेल्स, और उसमें जो होंगी ट्यूब सेल होंगी। और जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, इसमें ट्यूब ट्यूब एंड कंपेनियन सेल जो होती हैं वो नहीं पाई जाती हैं। क्या जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, सिर्फ एल्बुमिनस सेल एंड ट्यूब सेल्स पाई जाती हैं, है ना। ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में आता है, ये पूछते हैं हमसे जिम्नोस्पर्म में क्या क्या पाया जाता है। एल्बुमिनस सेल एंड ट्यूब सेल पाई जाएगी, बट उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, क्या लैक होगा, उसमें जो लैक होगा वो ट्यूब ट्यूब एंड कंपेनियन सेल नहीं पाई जाती हैं, ठीक है, ये हम याद रखेंगे। क्या क्या नहीं पाया जाएगा, ट्यूब ट्यूब और कंपेनियन सेल हमारे जिम्नोस्पर्म में नहीं पाई जाएंगी, उसमें एल्बुमिनस सेल और ट्यूब सेल पाई जाएंगी, है ना। ट्यूब ट्यूब एलिमेंट आर ऑल्सो लॉन्ग, है ना, ट्यूब ट्यूब एलिमेंट होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, है ना, अरेंज लॉन्गिट्यूडनली। ट्यूब ट्यूब एलिमेंट जो होते हैं लॉन्ग होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होते हैं, और एसोसिएटेड विद कंपेनियन सेल। ट्यूब ट्यूब एलिमेंट जो होते हैं वो कंपेनियन सेल से एसोसिएटेड होते हैं, यानी जुड़े हुए होते हैं, है ना। देयर एंड वॉल आर परफोरेटेड इन ट्यूब लाइक मैनर टू फॉर्म ए ट्यूब प्लेट। जो इनकी वॉल जो होती है, जो ट्यूब ट्यूब एलिमेंट की जो वॉल होती है वो परफोरेटेड होती है, ट्यूब ट्यूब एलिमेंट की जो वॉल होती है वो परफोरेटेड होती है, और ट्यूब लाइक मैनर से वो ट्यूब प्लेट बनाती है। देयर वॉल इज परफोरेटेड, परफोरेटेड ट्यूब मैनर, ट्यूब मतलब होता है छलनी, जो हम आटा छलने वाली छलनी होती है ना, सभी के घर पे होती है।
उसी तरीके का, ठीक है, छलनी, ठीक है, ट्यूब लाइक मैनर, है ना। जो हमारे स्विफ्टी लिमिट होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं, स्ट्रक्चर अरेंज लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, कंपनियन चलते हैं, एसोसिएटेड होते हैं, द एंड वॉल ऑफ द परफोरेटर, इनकी जो वॉल होती है परफोरेटर होती है, ट्यूब लाइक मैनर पे होती है, फॉर्म सीप्लेट बनाती है, यानी ये सीप्लेट बनाती हैं। ए मैच्योर स्विफ्ट एलिमेंट पोसेस ए पेरीफेरल साइटोप्लाज्म, जो मैच्योर स्विफ्ट एलिमेंट होते हैं ये साइटोप्लाज्म प्रोसेस करते हैं, इनमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है, एंड लार्ज वोक्यूल, और एक लार्ज वोक्यूल होता है जो कि प्लांट का कैरेक्टर है, वोक्यूल का पाया जाना, बट लैग न्यूक्लियस, है ना, बट इसमें जो होते हैं न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, यानी मैच्योर स्विफ्ट एलिमेंट में क्या क्या होगा, पेरी पेरी साइटोप्लाज्म होगा, एक लार्ज वोक्यूल होगा, बट इसमें न्यूक्लियस नहीं होगा, ये हम याद रखेंगे, स्विफ्ट एलिमेंट में हमारा न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। द फंक्शन ऑफ स्विफ्ट एलिमेंट आर कंट्रोल बाय द न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल, अब इसमें भाई न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा है तो किसी का फंक्शन कंट्रोल करने के जो न्यूक्लियस होता है वो हमारा मास्टर होता है, ठीक है, सेल का मास्टर होता है भाई न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस है नहीं तो किसी ना किसी का न्यूक्लियस तो उसका फंक्शन कंट्रोल करेगा ना। तो क्या है, द फंक्शन ऑफ स्विफ्ट ट्यूब एलिमेंट कंट्रोल बाय द न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल, यानी स्विफ्ट ट्यूब का जो फंक्शन है कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। द कंपेनियन सेल आर स्पेशलाइज पैरेन्काइमेटस सेल, यानी कंपेनियन सेल होती हैं वो स्पेशलाइज पैरेन्काइमेटस सेल होती हैं, जो पैरेन्काइमेटस सेल होंगी ये क्लोजली एसोसिएटेड विद स्विफ्ट ट्यूब एलिमेंट, ये हमारी होती हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, यहाँ से ये इस पैराग्राफ से हमारे जो क्वेश्चन होते हैं यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है, से क्वेश्चन पूछते हैं, कंपेनियन सेल आर स्पेशलाइज पैरेन्काइमेटस सेल होती हैं विच इज क्लोजली एसोसिएटेड विद स्विफ्ट ट्यूब एलिमेंट, है ना, स्विफ्ट ट्यूब एलिमेंट से क्लोजली एसोसिएटेड होती हैं। द स्विफ्ट ट्यूब एलिमेंट एंड कंपेनियन सेल आर कनेक्टेड बाई पिथ फील्ड प्रेजेंट बिटवीन देयर कॉमन लॉन्गिट्यूडिनल वॉल, है ना, जो हमारे स्विफ्ट ट्यूब एलिमेंट होते हैं कंपेनियन सेल होते हैं वो कनेक्ट होते हैं पिट के थ्रू, है ना, इनके बीच में पिट पाई जाती हैं, उसके थ्रू लॉन्गिट्यूडिनल वॉल्स होती हैं, उनके थ्रू ये कनेक्ट होते हैं। द कंपेनियन सेल हेल्प टू मेंटेन द प्रेशर ग्रेडियंट, ये भी जो लाइन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कंपेनियन सेल हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन ट्यूब ट्यूब एलिमेंट, जो कंपेनियन सेल का बोल देते हैं फंक्शन क्या होता है, तो कंपेनियन सेल का फंक्शन क्या होता है, वो हमारे ट्यूब ट्यूब एलिमेंट में प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करती है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। द कंपेनियन सेल हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन ट्यूब ट्यूब एलिमेंट, ये हम याद रखेंगे। अब हमको क्या है, फ्लोएम पैरेन्काइमा, अब फ्लोएम पैरेन्काइमा के बारे में देखेंगे। फ्लोएम पैरेन्काइमा इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड, जो फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है ये इलोंगेटेड होता है, टेपरिंग सिलेंड्रिकल सेल्स से मिलकर बना होता है, विच हैव डेंस साइटोप्लाज्म, यानी पैरेन्काइमा है तो इसमें साइटोप्लाज्म होगा, यानी ये लिविंग होगा, ठीक है, ये हमारा लिविंग होगा, एंड इसमें न्यूक्लियस भी होगा, है ना, जो कि फंक्शन इसका कंट्रोल करेगा। द सेल वॉल ऑफ कंपोज ऑफ सेलुलोज, इसमें इसकी जो सेल वॉल बनी होती है वो भी सेलुलोज की बनी होती है, और इसमें जो होगी पिट्स होते हैं, सेल वॉल जो इसकी होगी सेलुलोज की बनी होगी और इसमें पिट्स होंगे, थ्रू विच प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन एग्जिट बिटवीन द सेल, है ना, जो कि प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं हमारे वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जो प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं हमारे वो माइक्रोस्कोपिक कनेक्शन होते हैं, है ना, माइक्रोस्कोपिक चैनल होते हैं जो सेल टू सेल कम्युनिकेशन कराते हैं, कम्युनिकेशन होते हैं, सेल टू सेल में कम्युनिकेशन कराते हैं, है ना, दो सेल के बीच में कम्युनिकेट कराएंगे, आदान प्रदान करवाएंगे चीज़ों का। द सेल वॉल ऑफ द कंपोज ऑफ सेलुलोज, इनकी जो फ्लोएम पैरेन्काइमा की सेल होती है वो सेलुलोज से बनी होती है, इसमें पिट्स होते हैं, विच द प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन एग्जिट बिटवीन द सेल, इनके बीच में, इन सेल के बीच में प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन जो होते हैं एग्जिट होते हैं, ठीक है। द फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोर फूड मटेरियल, फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है ये भी हमारा फूड स्टोर करता है, इनका फंक्शन होता था फोटोसिंथेसिस, फ्लोएम पैरेन्काइमा का फंक्शन था, यानी पैरेन्काइमा का फंक्शन था स्टोरेज करना, सिंथेसिस करना और सिक्रीशन करना, है ना, तो यहाँ पे भी स्टोरेज का काम है, फ्लोएम पैरेन्काइमा है तो क्या क्या स्टोर करेगा ये हम देखते हैं, ठीक है।
फ्लेम पैरेन्काइमा स्टोर्ड फूड मटेरियल स्टोर करता है ना। अदर सबस्टेंस रेजिन लेटेक्स एंड म्यूसिलेज है ना, ये हमारा रेजिन लेटेक्स और म्यूसिलेज को स्टोर करता है, फूड मटेरियल भी स्टोर करता है और अदर सबस्टेंस। वो हमारा जो था जैलियम पैरेन्काइमा था, वो हमारा क्या स्टोर कर रहा था स्टार्च और फैट को, और अदर सबस्टेंस में उसमें क्या था टेनिन था जो कि पॉलीफिनॉल था है ना। इसमें क्या है हमारा फ्लेम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट मोस्ट ऑफ द, जो हमारा फ्लेम पैरेन्काइमा होता है एब्सेंट होता है मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट, जो मोनोकॉट में फ्लेम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है। फ्लोएम फाइबर्स को हम बास्ट फाइबर बोलते हैं, फ्लोएम फाइबर्स होता है ये बास्ट फाइबर होता है, ये हमारा डेड होता है। फ्लोएम फाइबर को हम बास्ट फाइबर बोलते हैं, मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमेटा सेल, स्क्लेरेन्काइमेटा सेल जो होती है हमारी वो डेड थी क्योंकि इसमें वो लिग्निफाइड थी वो, है ना, हमने बोला था जहाँ पे लिग्निफाइड आ जाए वहाँ पे डेड हो जाएगी। फ्लोएम फाइबर्स जो बास्ट फाइबर होती है मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमेटा सेल, दीज आर जनरली एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम, यानी ये हमारी होती हैं प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट होते हैं, बट आर फाउंड इन सेकेंडरी फ्लोएम, जो हमारी प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट होती हैं बट सेकेंडरी फ्लोएम में पाए जाते हैं। दीज आर मच इलोंगेटेड, है ना, ये बहुत इलोंगेटेड होते हैं, लंबे होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, इनमें शाखाएं नहीं होती हैं, है पॉइंटेड और इनके जो पॉइंटेड एंड होंगे नुकीले होंगे, नीडल लाइक एपिक्स होंगे, मतलब इसके जो एपिक्स होंगे वो नीडल लाइक होंगे, ठीक है। द सेल वॉल ऑफ फ्लोएम फाइबर्स इज क्वाइट थिक, जो फ्लोएम फाइबर्स की जो सेल वॉल होंगी वो क्वाइट थिक होंगी, है ना। एट मेच्योरिटी दीज फाइबर्स लॉस देयर प्रोटोप्लाज्म एंड बिकम डेड, मैंने आपको बताया जो फाइबर्स होंगे तो वो डेड होंगे, है ना, फ्लोएम फाइबर्स होंगे वो डेड होंगे। दीज फाइबर्स लॉस देयर प्रोटोप्लाज्म, ये अपना ये फाइबर अपने प्रोटोप्लाज्म को लॉस कर देते हैं और क्या हो जाते हैं बिकम डेड हो जाते हैं। फ्लोएम फाइबर्स ऑफ जूट फ्लैक्स एंड हेम्प, जो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं जूट के फ्लैक्स के हेम्प के, ये हम इसको यूज करते हैं कॉमर्शली, है ना, कॉमर्शली यानी व्यावसायिक रूप से हम इसको यूज करते हैं, कॉमर्शली का मतलब होता है व्यावसायिक रूप से इसको हम यूज करेंगे, है ना, अपने व्यवसाय में यूज करेंगे, ठीक है। द फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ नैरो ट्यूब ट्यूब एंड इज रिफर टू एज प्रोटो फ्लोएम, है ना, जो हमारे होते हैं फर्स्ट फॉर्म फ्लोएम, जो हमारे पहले फ्लोएम बनेंगे प्राइमरी फ्लोएम होंगे वो नैरो सीप ट्यूब उसमें होती है, नैरो सीप ट्यूब कंसिस्ट होती है, है ना, और ये हमारे रिफर टू एज प्रोटो फ्लोएम हमारे पहले बनते हैं इसको हम, इसलिए प्रोटो बोलते हैं। प्रोटो वर्ड जो होता है हमारा फर्स्ट के लिए होता है, मतलब पहले जो बनता है प्रोटो फ्लोएम बोलते हैं, है ना। एंड लेटर फॉर्म फ्लोएम हैज बिगर सीप ट्यूब, जो बाद में बनते हैं उसमें क्या होता है बिगर सीप ट्यूब होती हैं और रिफर टू मेटाफ्लोएम, और उसको हम मेटाफ्लोएम बोलते हैं, है ना, जो पहले बनेगा उसको प्रोटोफ्लोएम, जो बाद में बनेगा उसको हम मेटाफ्लोएम बोलेंगे। हमने जैलम के केस में भी देखा था, जो पहले बनना था उसको मेटाजैलम, सॉरी जो पहले जब बनना था उसको हम प्रोटोजैलम बोल रहे थे, जो बाद में बनना था हम उसको मेटाजैलम बोल रहे थे। नेक्स्ट वीडियो में इसमें हम टिश्यू सिस्टम के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद मी, कीप सपोर्ट। If you like my session, so please subscribe my channel, like share my video with friends. So take care, bye bye. You have a nice day.